दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाली पहाड़ों की रानी और हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों जाम सिटी बनी हुई है। शिमला में ट्रैफिक जाम अब आम हो गया है। रोजाना का ये ट्रैफिक जाम सिरदर्द बना हुआ है। इससे जहां पर्यटकों सहित स्थानीय जनता परेशान है, तो वहीं बस ऑपरेटरों के लिए भी परेशानियों का सबब बन रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, लेकिन इससे शहर में चलने वाली निजी बसेस के रूट प्रभावित हो रहे हैं। वहीं HRTC भी बिना किसी टाइम और शेड्यूल से अपनी बसों को रूटों पर चला रहे हैं, जिससे निजी बस ऑपरेटरों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर निजी बस सिटी लोकल यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त शिमला से मुलाकात कर प्राइवेट बसों को 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से बाहर रखने की मांग की है। साथ ही HRTC को समय पर बसें चलाने के निर्देश देने की भी बात कही है। प्राइवेट बस सिटी लोकल यूनियन के उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि शहर में लागू किए गए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से 40 किलोमीटर के अंतर्गत चलने वाली बसों के रूट प्रभावित हो रहे हैं। शहर में लोकल बसेस द्वारा 5 ट्रिप की जगह 2 या 2.5 ट्रिप ही लग रही है, जिससे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा सभी बसों के चक्के जाम कर दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और विभाग की होगी। हम आज डिजिटल साहब से मिले, उनसे हमने सिर्फ अपनी जो हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो उनको बताई। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी 40 किलोमीटर की बसेस की, जो 40 किलोमीटर की बसेज जो न्यू बस स्टैंड से चल रही, जब से बस स्टैंड बना है वो सारी 150 से 200 किलोमीटर की बसेज ऊपर चल रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि शिमला जो जाम की वजह से हमारा सारा जो 1 मिनट प्लान में जो चलाई हुई है हमारी बसेज, तो वो हमने अपने लोकल बसेज को 1 मिनट प्लान से बाहर रखने के लिए उनसे एक सहायता मांगी कि हमारे को भी 1 मिनट प्लान से बाहर किया जाए प्राइवेट बसेज के, जिससे कि हमारी ट्रिप लग सके। जो हमारे 5-5 ट्रिप हैं, जो हमारे 2 या 2.5 ट्रिप लग रहे हैं, इससे कि हमारी गाड़ियाँ जाम में फंस, 2-2 घंटे में बस स्टैंड ही पहुँच पा रही हैं। हमने सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है सर जी साहब को कि 15 दिन के अंदर हमारी वो डिमांड है कि HRTC के समय से चलाने के लिए, एक 40 किलोमीटर की बसेस बाहर करने के लिए, एक 1 मिनट प्लान में हमारी बसें ना आए। इसके लिए अगर नहीं करेंगे तो हमारी बसें खड़ी हो जाएंगी और जिसकी जो भी जिम्मेवारी है वो प्रशासन की होगी।